गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. एज यू नो इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द 5-year प्लान ऑफ आवर इकोनॉमी. ठीक है, जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ से गए थे, ठीक है, तो हमने क्या स्टार्ट की थी, प्लानिंग. ठीक है, प्लानिंग कौन कर रहा था, प्लानिंग कमीशन. ठीक है, फिर क्या हुआ था, फैब 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था किससे, नीति आयोग से. फिर नीति आयोग क्या कर रहा था, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या कर रहा था, प्लानिंग बना रहा था. ठीक है, हर 5 ईयर के अपने अपने क्या बनाए गए थे, कुछ प्लान्स बनाए गए थे. और जो 5 ईयर प्लानिंग जो स्टार्ट हुई थी वो कब से हुई थी, 1951 से. ठीक है स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, व्हाट इज डायरेक्टिव प्लानिंग. ठीक है, ये सब हमने देख लिया था. फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी. उसकी मेरिट से की थी हमने, डीमेरिट से की थी. ठीक है, आज हम देखेंगे द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ द इकोनॉमी. अब ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स. अब क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स के, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्रिहेंसिव है. ठीक है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री. इट मीन्स ये दोनों क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं. ऐसा नहीं है कि लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव अलग है, शॉर्ट पीरियड क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है. और क्या है, ये क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब क्या है लॉन्ग पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड गोल्स. लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं कि जो 10 to 20 years के लिए जो प्लानिंग होती है ना, वो क्या होते हैं हमारे लॉन्ग पीरियड गोल. और ये क्या होते हैं, कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान. क्या होते हैं ये, हर 5-year प्लान के कुछ कॉमन गोल्स हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स. ठीक है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं. और हम इन्हें क्या बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. और हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. लेकिन शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं, प्लान स्पेसिफिक होते हैं. इट मीन प्लान टू प्लान डिपेंड करता है. हर 5-year प्लान, लाइक फर्स्ट 5-year के अलग प्लान होंगे, सेकेंड 5-year के अपने अलग प्लान होंगे, थर्ड ईयर के अलग होंगे. तो ये क्या है, आपके शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं. लेकिन लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होंगे कि इन शॉर्ट पीरियड में जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हम लेके चलते हैं ना मोस्टली, वो क्या होंगे आपके लॉन्ग पीरियड गोल्स. ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लान स्पेसिफिक होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान होते हैं. ठीक है, ये क्या है, कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान. ठीक है, प्लान टू प्लान डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो हमने समझ लिया कि लॉन्ग पीरियड गोल क्या है और शॉर्ट पीरियड गोल क्या है, क्यों हमने इनको डिवाइड किया है शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में. ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है. क्योंकि ना शॉर्ट पीरियड गोल्स जब तक हम डिटरमाइन नहीं करेंगे, तब तक क्या हमारी लॉन्ग पीरियड प्लानिंग हो सकती है क्या. और प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जो भी गोल्स और जो हमने अचीव करना चाहते हैं उनको हम लॉन्ग पीरियड तक अचीव कर सकें. ठीक है, इसलिए प्लानिंग कभी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए. कैसे होनी चाहिए, लॉन्ग पीरियड प्लानिंग होनी चाहिए कि हम उसका जो बेनिफिट है लॉन्ग टाइम तक ले सकें. ठीक है, अब क्या है, लॉन्ग पीरियड गोल्स पढ़ रहे हैं हम, कुछ अपने कॉमन गोल्स देख रहे हैं 5-year प्लान के. कि हर 5-year प्लान में बेसिकली जो हमें अपने गोल्स देखने को मिलते हैं ना, तो हम आज अपने कुछ लॉन्ग पीरियड गोल्स देखते हैं. फर्स्ट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट. हमारी इकोनॉमी का जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट. कैसी सिचुएशन होनी चाहिए मार्केट में, फुल एम्प्लॉयमेंट की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है कि जो वर्क करना चाहता है उसे वर्क मिल जाता है. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मीन्स ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल वाले सिचुएशन पर पहुंच गए हैं हम लोग. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मीन्स होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सके. क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाएगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ना. कि सब लोग अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट है सबके पास, तो इकोनॉमी अपने आप ही ग्रो करेगी. जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी, पॉवर्टी क्या होगी, रिमूव होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो लोगों की जो बेसिक्स नीड्स हैं वो क्या होने लगेंगी, फुलफिल होने लगेंगी. ठीक है, तो फर्स्ट जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव था वो था फुल एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को क्या मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हमें मूव करके गए थे. उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिर्फ हम एग्रीकल्चरिंग को ही आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिससे कि उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे और वो हमें क्या देते रहे, फिनिश गुड्स देते रहे. उन्होंने हमारे इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर को तो डेवलप ही नहीं होने दिया था. इसी वजह से जो हमारा अब जो गोल डिटरमाइन किया गया ना, वो क्या था कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रो करना है और सर्विस सेक्टर में भी ग्रो करना है. इसलिए कैसे सिचुएशन आया, फुल एम्प्लॉयमेंट सभी लोगों को, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हैंडीक्राफ्ट
और जो भी सेक्टर है उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ का मीन होता है ज्यादा से ज्यादा क्या होना, प्रोडक्शन होना। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को क्या करना, इंक्रीज करना। जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी या नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इकोनॉमी अपने आप ही क्या करेगी, लॉन्ग पीरियड में जाके ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए, इक्वल। इट मींस जो पुअर और रिच के बीच में जो डिफरेंसेस आ गए थे उनको क्या करना था, हमें रिमूव करना था, क्योंकि पुअर तो और पुअर होते जा रहे थे और रिच हो जा रहे, तो हमको जो उनके बीच में जो डिफरेंसेस आ गए थे उनको क्या करना था, रिमूव करना था। और वो कैसे होगा, अगर हम अपनी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली कर रहे हैं, किसके बीच में, पुअर और रिच के बीच में, तो क्या हो जाएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जब तक इक्विटी नहीं आएगी ना, तब तक हम अपनी कंट्री को क्या नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसका डेवलपमेंट करना है वो किसका करना है, पुअर का करना है ना। तो सबसे पहले किसको हमको ऊपर करना है, पुअर पीपल को, पुअर पीपल का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो इक्विटी लाना हमारी कंट्री में मस्ट है। और इक्विटी कैसे ला सकते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिच पीपल है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई किए जाएँ, टैक्सेस की रेट लगाए, टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो उनकी इनकम का कुछ पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, मीन्स गवर्नमेंट के पास आएगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उनकी इनकम से हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेगी। ठीक है, पॉलिसीज बनाएगी, प्रोग्राम्स बनाएगी, उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेंड करेगी मनी को, किसके लिए, पुअर पीपल के लिए। ठीक है, तो इक्विटी लाना। नेक्स्ट क्या था, मॉडर्नाइजेशन किया जाए। मॉडर्नाइजेशन क्यों का जरूरी हो गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से गए थे और ब्रिटिशर्स के गुड्स को हम क्या कर रहे थे, कॉम्पीट कर रहे थे ना, मींस उनकी जो गुड्स की जो रेट थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी, लेकिन हमारी जो गुड्स हैंडमेड बनती थी उनके प्राइजेस क्या थे, बहुत ही हाई थे। ठीक है, और क्वालिटी भी बेस्ट नहीं थी। ठीक है, अब हमें क्या लाना था, अब हमारी ब्रिटिश कंट्री, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए हैं, अब हमें क्या लानी है, सेल्फ सफिशियंसी लानी है, सेल्फ डिपेंडेंसी लानी है, हमें अपनी कंट्री को क्या करना है, ग्रो करना है, मेक इन इंडिया लाना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री गुड्स को प्रेफर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मॉडर्नाइजेशन, अच्छी क्वालिटी के गुड्स कम प्राइसेस पर हम क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। इसके लिए क्या जरूरी था, मॉडर्नाइजेशन, कि मींस टेक्नोलॉजी अच्छी हो, बेस्ट हो, अच्छी क्वालिटी के गुड्स कम प्राइसेस पर हम लोगों को प्रोवाइड कर सके। जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में अब तक गुड्स को क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, और उनकी क्वालिटी की जो गुड्स थी वो भी अच्छी होती थी, उनके प्राइसेस भी क्या होते थे, कम होते थे, तो लोग प्रेफर कर रहे थे ना उनकी गुड्स को। और हमें क्या करना था, अपनी डोमेस्टिक कंट्री को डेवलप करना है, तो हमें क्या करना होगा, मॉडर्नाइजेशन लाना होगा, नई नई टेक्निक से क्या करना होगा, प्रेडिक्शन करना होगा, कलर ब्रांड इतने टाइम टू टाइम जैसे लोगों की डिमांड आ रही है उस अकॉर्डिंग हमें क्या करने होंगे, चेंजेस करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी इज वेरी मस्ट इफ यू वांट टू डेवलप आवर इकोनॉमी, देन सेल्फ सफिशिएंसी इज वेरी मस्ट। कैसे ला सकते हैं सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी, क्योंकि फूड ग्रेन्स की सप्लाई हो नहीं पा रही थी, हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड हो रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन तो उस रेशियो में इंक्रीज हो रही थी ना, लेकिन फूड ग्रेन्स के जो सप्लाई थी वो ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, राइस हो गए, पल्सेस हो गए, वीट हो गए, तो हम क्या थे, दूसरी कंट्री पर डिपेंड होते थे, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही थी, और एग्रीकल्चर में हमारे पास नई टेक्निक नहीं थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, जैसे कि हम एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी थी उसको भी इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे, ना हमारे पास पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर्स कुछ थे, तो हमें क्या करना है, अब सेल्फ सफिशियंसी लानी है, इट मीन्स अच्छी टेक्नोलॉजी के गुड्स को यूज़ में लेना है। ठीक है, और अच्छी हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ में लिया, प्रोडक्टिविटी क्या करी, इंक्रीज़ करी, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंसी, हमें जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी, जिससे हम डिपेंडेंसी को क्या कर सके, कम कर सके, क्योंकि अगर सेल्फ सफिशिएंसी नहीं आएगी तो हम क्या करते रहेंगे, इम्पोर्ट करते रहेंगे, इम्पोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री की इनकम कहाँ जाएगी, दूसरी कंट्री में, तो किसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, दूसरी कंट्री की ना, हमें तो क्या करना है, अपनी कंट्री को ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि हम अपनी ही कंट्री के गुड्स को क्या करें, कंज्यूम करें, प्रिफर करें। ठीक है, मेक इन इंडिया लाएं, कि मींस हम अपने इंडिया में जो गुड्स बनी है, हमारी कंट्री के गुड्स को, की ब्रांड गुड्स को क्या करें, प्रिफर करें, तो सेल्फ सफिशियंसी लाए, जैसे कि डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो दीज ऑल आर द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव
ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी. नाउ वी सी द शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ आर इकोनॉमी. ठीक है, 1950 से 51 से 1991 तक जो हमारे कुछ क्या थे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव थे. और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स. मीन फर्स्ट फाइव ईयर का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग. तो क्या हमने छोटे छोटे प्लान्स बनाए थे कि फर्स्ट फाइव ईयर में हमें किसका डेवलपमेंट करना है, सेकंड में किसका करना है, थर्ड में किस कितना करना है. ठीक है, तो हमारे अब तक 12 फाइव ईयर प्लान बन चुके हैं. अब कौन सा चल रहा है हमारा, 13 फाइव ईयर प्लान चल रहा है. ठीक है, अब हम देखेंगे अपने शॉर्ट पीरियड गोल्स, प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, 1951. ठीक है, तो 1951 में जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए थे तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव और गोल था वो था हायर एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन. ठीक है, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर ही हमारा मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, ना इंडस्ट्रीज आई थी, ना सर्विस सेक्टर हमारा ग्रो कर पाया था. तो हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था हायर एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को क्या करना, इंक्रीज करना. ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सेल्फ सफिशिएंसी अपने आप आएगी, हमारी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी. ठीक है, तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए थे तो हमारा जो मेन जो मोटिव था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का वो था हायर एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन. नेक्स्ट क्या था, सेकेंड फाइव ईयर प्लान. फिर धीरे धीरे हम किस पर आए, सेकेंड फाइव ईयर प्लान पर आए. तो हमारा मूवमेंट हुआ कहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से किसकी तरफ हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर. इंडस्ट्री पूरी तरीके से उन्होंने हमें डेवलप ही नहीं करनी गई थी, जो हमने थोड़ी बहुत की थी उन्होंने अबॉलिश कर दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनके यहाँ इंडस्ट्रीज ग्रो हो सके, क्योंकि उनको ये था अगर इनके यहाँ इंडस्ट्रीज आ गई तो हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड कौन करेगा. ठीक है, उन्होंने इंडिया को अपना पूरी तरीके से मार्केट बना लिया था ना, वो फिनिश गुड्स कहाँ के मार्केट में सप्लाई करते थे, इंडिया के मार्केट में. तो वो नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इनका ग्रो हो सके, इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया था. हमारी ड्यूटी क्या थी, हमारी ड्यूटी ये थी जब ब्रिटिशर्स चले गए थे तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज को क्या करना है, डेवलप करना है, हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी इंडस्ट्रीज लाएं, जिससे कि जो डिपेंडेंसी थी वो दूसरी कंट्री पर हमें क्या करनी थी, कम करनी थी. इसलिए जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, वो एग्रीकल्चर से मूव होकर कहाँ आ गया था, इंडस्ट्रियल पर. ठीक है, हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ओके, नाउ वी सी द थर्ड प्लान ऑफ आवर इकोनॉमी. थर्ड फाइव ईयर प्लान क्या था हमारा, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन. ठीक है, किस में सेल्फ सफिशियंसी आनी चाहिए, फूड ग्रेन में. इट मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा जो पल्सेस हैं, वीट हैं, फूड ग्रेन्स जो भी हो गए हमारे, ठीक है, उनको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही थी ना हमारे यहाँ, और प्रोडक्टिविटी इतनी हो नहीं पा रही थी. अब हमें क्या करना था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन लाना है. ठीक है, तो हमने ये देखा कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स को यूज़ में लिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या कैसे हम अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, इरीगेशन के सोर्सेज ला सकें. ठीक है, इसके थ्रू हमने क्या किया, थर्ड फाइव ईयर में हमने प्लान बना लिया कि हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना, हमें क्या लानी होगी, सेल्फ सफिशियंसी लानी होगी. सेल्फ सफिशियंसी आएगी तभी हमारी इकोनॉमी क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फाइव ईयर प्लान क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, जो हमारा मैन पावर यहाँ पर आएगा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. ठीक है, क्या था, प्राइस स्टेबिलिटी आनी चाहिए. क्या होता है, कई बार तो इन्फ्लेशन आ जाता है, कई बार डिफ्लेशन आ जाता है. इन्फ्लेशन आएगा तो प्राइस इतने हाई हो जाते थे, डिफ्लेशन आएगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इतने लॉस हो जाते थे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्राइस को स्टेबल करना. और प्राइस भी कब स्टेबल होगा, जब डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे. तो प्राइस स्टेबिलिटी लानी थी, जिससे कि जो लोग हैं वो इजिली गुड्स को क्या कर सके, परचेज कर सके, कंज्यूम कर सके, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके. ठीक है, अब प्राइस स्टेबिलिटी आएगी एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो ह्यूमन हमारे बींग है ना, उनकी जो मैन पावर है उनका फुलर यूटिलाइजेशन किया जाए, किसी भी तरीके से ह्यूमन जो ह्यूमन कैपिटल है उसको किसी भी तरीके से हमको वेस्ट नहीं करना. ठीक है, और फुलर यूटिलाइजेशन किया जाए, प्राइस स्टेबिलिटी होगी, प्राइस स्टेबल होंगे तो हम अपनी कंट्री के गुड्स की डिमांड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट होता है, फाइव फोर सिक्स फाइव ईयर प्लान दोनों एक साथ थे. इनका मेन मोटिव क्या था, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को क्या करना, रिमूव करना.
जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो पॉवर्टी कितना स्प्रेड हो चुकी थी, लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी बहुत रिड्यूस हो गया था। तो हमें क्या करना था, पॉवर्टी को रिमूव करना है। पॉवर्टी रिमूव होगी तभी हमारी इकोनॉमी क्या कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी। ठीक है, 7th 5-year plan का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लाना, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना लोगों को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब था 9th 5-year plan। 8th 5-year plan का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आ जाए। अभी मैंने आपको बताया था ना फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ठीक है, एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मीन कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को क्या किया जाए, स्प्रेड, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए, पॉलिसीज बनाए जाए, प्लान्स बनाए जाए। जो ब्रिटिशर जब यहाँ से गए थे तो इंडिया में किस तरीके से हमारे यहाँ किस तरीके की लोगों की थिंकिंग बनी हुई थी कि गर्ल को, गर्ल चाइल्ड हो जाता है तो उसमें देखा था कि लोग कितना गलत फील करते थे, अगर बॉय चाइल्ड होता था तो उसको इतना अच्छे से ट्रीट किया जाता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था ये बहुत ही मस्त था कि लोग क्या हो सके, जब एजुकेट होंगे तो वो अपने राइट्स के बारे में जानेंगे, उनको पता होगा कि वॉट इज गुड और वॉट इज बैड फॉर दैम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 9th 5-year plan। 9th 5-year plan का जो मेन मोटिव था वो था ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना और प्राइस को क्या करना, स्टेबल। अगर प्राइस स्टेबल होंगे तभी हमारी कंट्री की गुड्स की डिमांड हो पाएगी। नेक्स्ट क्या था, 10th 5-year plan। 10th 5-year plan क्या है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, डाउन हो गया था, तो हमें क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करनी है, वो भी कैसे, कम प्राइजेस में। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी है, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो अपनी नीड्स को इजीली फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या था, 11th 5-year plan। 11th 5-year plan का मोटिव है पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करना और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, ऐसी हमको टेक्निक्स को यूज़ में लेना है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म ना करें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को हमें यूज में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 12th 5-year plan का जो मेन मोटिव था सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव मीन होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है। सस्टेनेबल मीन्स आज तो हम अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज में ले रहे हैं और आने वाली जनरेशन को भी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करा पाए, किसी भी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं करना है और हमें क्या करना है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रेट लानी है। इंक्लूसिव मीन्स क्या करना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म होंगे तभी हम उनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक ले पाएंगे। स्टूडेंट्स सुनो, आई होप टुडे लेक्चर क्लियर, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी ऑन माई पर्सनल विंडो। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।